ये है कराची का हैरत शाबाद से कब्रिस्तान, जहां मारूफ कव्वाल अमजद फरीद साबरी को सुपुर्दे खाक किया गया था। इनकी कब्र पर कोई फातिहा खानी करने आता है या नहीं? अमजद तो अमजद है जी, अमजद की तो बात ही क्या है, वो तो हर दिल अजीज शख्स है, अल्लाह बना दे बाकी अमजद के बाद मुश्किल ही है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा अपना तारुफ बता दें देखने वालों को। यहाँ सरकार में जो अमजद साबरी की कब्र है, इनके वालदैन की बुजुर्ग की निस्बत किबला हैरत शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह से है। इनके दादा की कब्र भी है यहाँ, इनकी निस्बत है, उस निस्बत से है। बाकी आस्थाना वारसी है सरकार, ख्वाजा हैरत शाह वारसी सरकार का। मैं मोतम खानगाह हूँ, खानगाह का मोती हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी सफाई वगैरह मैं ही कराता हूँ, सब कुछ है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे बड़े अभी तकरीबन 2016 में वो ये अमजद साबरी साहब वफात पा गए थे, मुझे ये बताइएगा टाइम हो गया क्या कोई इनका बेटा, इनकी औलाद या इनकी बहन भाई वगैरह यहाँ पर आते हैं? भाई उनका भाई तला बहन वगैरह आती हैं, बेटे को तो हमने शबरात पे भी नहीं देखा यहाँ। बाकी आवाम बहुत आती है, मतलब बेटा आया कभी कभी? हाँ मेरा ख्याल है कि इसकी बरसी पे ही या 14-4 रमजान पे देखा था उसको हमने यहाँ पर, जो गुलाम फली साहब की 4 रमजान होती हैं। उसके अलावा हमने शबरात पे भी नहीं देखा। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर आप ही मतलब सारी देखभाल वगैरह करते हैं या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ है इंतजाम? उनकी फैमिली का या कुछ भी नहीं है मामला, कमेटी देखभाल करती है, इनका कोई मामला नहीं है। मतलब कभी कोई उन्होंने कोई कब्र की कोई सफाई सुथराई या दूसरी देकर मामला के लिए कोई रकम अदा की? सिर्फ कब्र बनवाने तक का तो उनका मामला है, कब्र बनवाई है वो तो इन्होंने बनवाई है, जाहिर है बनवाएंगे। बाकी सब मामला हमने चौकीदार रखा हुआ है, खिदमत अगर रखा हुआ है मुलाजिम यहाँ पर, ठीक है। उसको चाहते हैं तो साल में 1500 दे देते हैं ये, हाँ उससे कोई रेगुलर उसका नहीं है, वो हमने आस्थाने की सफाई के लिए आदमी रखा है। इसके अलावा जो बाकी कब्रें इनकी थोड़ी सी अगर आप देखिए जी, बताएं। ये अमजद साहब के वालिद साहब और वालदा हैं, ये अमजद के चचा है मकबूल, ठीक है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी थोड़ा सा दिखाते रहें। ये मकबूल है, अच्छा। उसके बाद हमारे हजूर किबला बेगम शाह साहब की साहबजादी का है, और हमारे ये बाबा हैं इनके ख़ानदान के कुछ लोग हैं, और उसके बाद अगर पीछे आ जाएं इधर आ जाएं थोड़ा सा बाकी की तरफ आते हैं, ये हमारे साबिक सदर नूर वारसी वारसी हैं, अच्छा। ये हमारे आराम पोच थे, बाबा से मुरीद थे उनकी है, अच्छा। ये भी बाबा से मुरीद हैं इनकी है, अच्छा। ये हमारे वारिस पाक से मुरीद हैं, जो सिलसिले के बानी और मालिक हैं हमारे, ये उनसे मुरीद हैं, अच्छे बुजुर्ग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं ये, वो है। ये बाबा हैरत शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे की कब्र है, एक ही साहबजादे थे इनके, इरशाद वारसी, ये उनकी अहलिया की है। अच्छा मुझे बताइएगा, जब इनका नमाज जनाजा हो रहा था, जब तकफीन हो रही थी, तो उस वक्त आप भी यहीं थे? जी जी उतारा मैंने। अच्छा हाँ, उस वक्त का मुझे जिक्र बताएं जब उतारा, वो थोड़ी सी कहानी हम सुनना क्या पूछना चाहते हैं, मतलब वो जब उतारा क्या लम्हा था, कौन कौन था, कौन बड़ी शख्सियात थी? बहुत शख्सियात थी, अपने पाक पतन के वो थे दीवान, उसके बाद तमाम मीडिया के लोग थे, आला अफसरान थे मीडिया के, आवाम ही इतनी थी, हमने तो दरवाजे बंद कर दिए थे, सिर्फ ख़ानदान के और चंद मीडिया के लोगों को आने दिया था, फिर जगह नहीं थी यहाँ पर। अमजद तो अमजद थे जी, अमजद की तो बात ही क्या है, समझे नहीं, वो तो हर दिल अजीज शख्स है, अमजद का जोड़ नहीं है, अमजद के बाद अल्लाह बना दे बाकी अमजद के बाद मुश्किल ही है। जब आप कब्र में उनको उतारा जा रहा था, तस्वीर की जा रही थी, उसके कुछ पुरूर मनाजिर का बताइएगा, कैसा उस वक्त सिचुएशन थी, यहाँ पर उनके घर वालों का क्या कंडीशन थी जब उतार रहे थे? तो क्या, तो देखो मेरी बात सुनो, एक आम आदमी भी होता है, उसको जब उतारा जाता है घर वालों का मंजर वही होता है, ठीक है। अब ये तो एक अमजद बहुत बड़ी हस्ती थे, ठीक है, घर वाले तो घर वाले, लोगों का आलम बहुत हुआ, लोग अशक बार थे। अच्छा मुझे बताइएगा, जब इनकी बरसी होती है, उर्स आता है, तो उसको किस तरह से मनाया जाता है या कुछ किया जाता नहीं है? उसका ये जी लोग गाते हैं 4-5 बजे, मुख्तसर लोग एक कव्वाल लाते हैं अपने ख़ानदान का, चंद लोग आते हैं, एक दो कलाम पढ़ के चादर फूल पेश करके चले जाते। अच्छा कोई सियासी शख्सियत, कोई फैन, कोई बड़ा कोई कव्वाल या कोई बहुत बड़ा नाम कभी कब्र पर आया हो? जी 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 बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, ऐसी बात नहीं है।